हेलो दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम बातचीत करेंगे कि सोशल मीडिया का यूज डायरेक्ट सेलिंग में कैसे कर सकते हैं, यानी सोशल मीडिया का यूज डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, MLM इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट पे, इस पॉइंट पे हम पूरी सीरीज लेके आएंगे, पूरी प्लेलिस्ट होगी। आज का जो वीडियो होगा वो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, उसमें हम बताएंगे कि क्यों जरूरी है सोशल मीडिया का यूज डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या कुछ आपको नहीं बताया जाता जिससे आप अपनी ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर सकते हो। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एसोसिएट नहीं है तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि कैसे सोशल मीडिया का यूज आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं और अपने बिजनेस को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करवा सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च की तो मुझे इस टॉपिक पे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देखने को मिली। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ गुमराह करने वाली इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। क्योंकि जो अब इस इंडस्ट्री में होता है, डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी आपके जो अपलाइन लीडर्स होते हैं या जिनसे आप सीखते हैं बिजनेस, उनको आप फॉलो करते हैं तो उसी के कॉन्सेप्ट पे आप चलते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो अपलाइन है मैक्सिमम वो थोड़े आउटडेटेड रहते हैं, कि पुराने समय के रहते हैं, काफ़ी समय उनको हो चुका होता है, तो वो इस टॉपिक पे सही जानकारी आपको पेश नहीं कर पाते। इस वजह से जो नए नेटवर्क रहे, नए सोशल मीडिया के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उतरना चाहते हैं, उनके लिए मुसीबत क्रिएट हो जाती है कि उनको सही नॉलेज मिल नहीं पाता है, प्रॉपर नॉलेज मिल नहीं पाता है, इसकी वजह से वो इस चीज़ का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज़ करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, या आप इसको बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो वो सिंपल सी हम बातचीत करने वाले हैं। आप सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, साथ में बहुत सारी ज्वाइनिंग भी ला सकते हैं। तो ये भी आपको सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ में और इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि कैसे आप प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आप ज्वाइनिंग ला सकते हैं। तो सोशल मीडिया का जब यूज़ करने की बात आती है तो बहुत ही गलत तरीके से लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ लोगों से कॉन्टेक्ट करके, बातचीत करके और कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी से इसके कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँ और इसको प्लान दिखा दूँ। अब उस चक्कर में वो अपनी बॉन्डिंग मजबूत नहीं करते तो अगला अगर प्लान सुन भी लेगा तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस का चीज़ें उड़ेलते रहते हैं कि हमारी कंपनी में ये हो गया और हमने प्रोडक्ट में ये कर दिया और हमारे उसने ये कर दिया, वो डालते रहते हैं, तो उसको भी कोई नहीं देखेगा क्योंकि उससे आपका ट्रस्ट या अथॉरिटी बिल्ड नहीं हुई, तो आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज हम बातचीत करेंगे कि सोशल मीडिया और डायरेक्ट सेलिंग है क्या और इनमें आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम जानते हैं सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक देते हैं। जैसे एग्जांपल, ये एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट होते हुए अपने होलसेलर के पास होते हुए, रिटेलर के पास होते हुए, ये एक कस्टमर होता है, उसके पास ये प्रोडक्ट पहुंचता है। तो ये जो प्रक्रिया ट्रेडिशनल बिजनेस में होती है कि कोई कंपनी सामान बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद में वो एडवर्टाइजिंग द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा, एडवर्टाइजिंग द्वारा लोगों को पता चलता है, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा प्रोडक्ट आगे पहुंचता है, उसके बाद में होलसेलर से एंड ऑफ एजेंट होते हैं जो बीच में रहते हैं, वो प्रोडक्ट को आगे मूव करते हैं, उसके बाद में रिटेलर के द्वारा होते हुए एक प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है। सिंपल है, ऐसा मार्केट में ऑलरेडी होता है, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में इसी चैनल के द्वारा आप तक पहुँचता है। अब डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर जो बीच का मार्केट है इसको हटा के ये जो पैसा है, यानी जैसे कोई भी कंपनी 40 रुपीज़ में चीज़ बना लेती है 40% पैसे में, और वो चीज़ 100 रुपीज़ में कस्टमर को मिलती है, तो 60% जो पैसे हैं वो मनी है वो ट्रांसपोर्टेशन में, एडवर्टाइजिंग में होलसेलर के पास चली जाती है और वहाँ से होते हुए कस्टमर जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कहा गया है कि इनको बीच से हटा दिया जाए, कंपनी सीधा प्रोडक्ट आपको पहुँचाएगी और आप उस प्रोडक्ट के यूज़र होंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपको डिस्काउंट के रूप में फ़ायदा मिलेगा, कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, कुछ आपको फ़ायदा मिलेगी कि अगर आपको चीज़ अच्छी लगी है तो वो जो ये बीच में जो लोग काम कर रहे हैं वो काम आप कर सकते हो। आप ये जो एडवर्टाइजिंग वाला काम है, लोगों तक सामान पहुँचाने वाला काम है, वो आप कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, तो वो जो पैसा है 60% पैसा वो आपको मिल सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ काम करती है और आप आगे आगे मूव ऑन करते हो तो ये बीच वाला पैसा आपको मिल जाता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा डायरेक्ट आपके पास ये प्रोडक्ट पहुँच गया, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें जो कस्टमर होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही कस्टमर होता है।
दोनों काम वो एक इंसान कर रहा होता है, तो जो मार्केट के फायदे हैं उसको मिल जाते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देखा गया, गलत तरीके से प्रचारित किया गया। कई बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि फलानी फलानी कंपनी का ऐसा ऐसा कुछ हो गया। हाँ, इसमें बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी रही हैं जिन्होंने गड़बड़ किया है, झाला किया है, पैसे का फ्रॉड किया है, मनी सर्कुलेशन स्कीम लोगों ने चलाई है। जैसे यहाँ पे किसी ने कहा है कि आप 10,000 रुपये दो और 10,000 रुपये में से हम आपको, आप नीचे ज्वाइनिंग कराओगे तो हम आपको 1,000-1,000 रुपये पर ज्वाइनिंग के हिसाब से, आप 10 ज्वाइनिंग ले आओगे तो आपके 10,000 रिकवर हो जाएंगे और फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा। तो मैक्सिमम देखा गया कि मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाई गई या प्रोडक्ट बेस्ड जो सिस्टम था वो नहीं था, या अगर प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम था तो भी उनकी जो नीयत थी, जो उनकी कंपनी के सिद्धांत थे, मूल थे, उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ थी जिसकी वजह से कानून को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी और उनको बंद करना पड़ा। जबकि अगर भारत में आज अपन देखें, अगर आप KPMG की रिपोर्ट देखोगे, आप अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखोगे, तो उसके अनुसार ये बिजनेस को गवर्नमेंट भी अभी सपोर्ट कर रही है। 12th क्लास की बुक में भी इसके बारे में जिक्र आ चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अलग से यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया भी जाता है, चैप्टर भी इंक्लूड हो चुके हैं। अगर डाई सेलिंग बिजनेस की बात करें तो ये अमेरिका, चाइना, इंडिया, थाईलैंड जैसे छोटे देश सब ही जगह फैला हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर कंट्री में है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कंपनी के रूप में। तो पहली चीज़ तो ये कभी बंद नहीं होने वाला। अब इसमें कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, उसके एथिक्स कौन से हैं, उसमें ईमानदारी है या नहीं है, वो किन सिद्धांतों पे अपनी कंपनी चला रहा है, कितनी वो पुरानी है, क्या उसका मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या उसका प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, ये सब चीज़ें कैसी है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अगर भारत में डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की बातचीत करें तो अभी आने वाले 2025 तक ये जो बिजनेस है ये लगभग 70,000 करोड़ का होने वाला है। अगर हाल फिलहाल की बात करें, एक साल पुरानी जैसे 2020-21 की बात करें अपन, तो 2020-21 में ये कारोबार था लगभग 6,000 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में, और वही कारोबार आने वाले 3 से 4 सालों में, और इसमें से एक साल तो जा चुकी है, ये 3 से 4 सालों में 10 गुना बढ़ने वाला है, 10 टाइम्स मोर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो भविष्य तो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज कर ली है, उसको देख लिया है, जांच लिया है, परख लिया है, तो अब दूसरा जो चीज आती है वो जानना कि सोशल मीडिया क्या है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया क्या है, ये कैसे ग्रोथ कर रहा है और इसकी क्या संभावनाएं या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया के मतलब आप डिजिटली किसी भी माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इन सभी चैनल के माध्यम से आप किसी से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो इसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे सोशल मीडिया है। अगर इसके मार्केट की बातचीत करें तो दुनिया में सोशल मीडिया का जो मार्केट है या जो जितने जो लोग यूज़र हैं वो है कि दुनिया की जो जनसंख्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं कि 8 अरब के समथिंग हमारी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 4 अरब लोग अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, यानी लगभग 50%। तो आप देखिए कितना बड़ा मार्केट है, यानी दुनिया की 8 अरब जनसंख्या में से 4 अरब यानी 50% लोग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया की तरफ देखते हैं, तो इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और 140 करोड़ में से अभी इंडिया में लगभग 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज़ करने वाले हैं, यानी लगभग 30% के लगभग आप एवरेज लेके चलो। तो भारत की जो जनसंख्या है उसका 30% ही सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरनेट यूज़र की बात करें तो जो 140 करोड़ लोग हैं उनमें से लगभग 80 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़र हैं, यानी लगभग ये 60% के लगभग हो गया, यानी 60% लोग इंटरनेट यूज़र है इंडिया में अभी। लेकिन आने वाले 2025 तक ये क्या होने वाला है कि अगर हम वर्ल्ड की जो परसेंटेज है उसका भी मुकाबला करते हैं तो यहाँ पे ये जो 20% और इंक्रीज होने वाला है, यानी 30% की जगह 20% और इंक्रीज होता है, तो आप सोचोगे कितनी पॉपुलेशन और इसमें एड ऑन होने वाली है, यानी लगभग 30 करोड़ के समथिंग इसमें एड ऑन होने वाली है, यानी 70-80 करोड़ लोग इसमें सोशल मीडिया यूज़र बढ़ने वाले हैं। या यूँ कहें कि जो 80 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट यूज़र हैं लेकिन अभी सोशल मीडिया यूज़र नहीं है, तो वो इसमें माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा। तो 40 करोड़ तो हो चुके, लेकिन इसका अगर 40 करोड़ लोग और उसमें जुड़ जाएंगे तो आने वाले 2025 तक 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज़र होने वाले हैं इंडिया में। तो आप मार्केट सोचो कि जब 40 करोड़ में इतना धमाल हो रहा है, इतना भूचाल आ रहा है डिजिटल इंडस्ट्री में, वीडियो इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया पे, तो
अगर डबल स्ट्रेंथ होती है तो क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या? अब यहां पे आपसे क्वेश्चन ये है कि ये इन लोगों तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हो? अगर बातचीत करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो डायरेक्ट इंडस्ट्री में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या अपने प्लान को पहुंचाना होता है। अगर आप फिजिकली वर्क करेंगे तो आप अपने शहर तक सीमित होकर रह जाएंगे, क्योंकि अगर आपको जैसे आप राजस्थान में रहते हैं और आपको मणिपुर में किसी को प्लान दिखाना है तो आप जूम पे तो दिखा सकते हो, लेकिन वो आदमी कहाँ से लाओगे जिसको जूम पे दिखाना है? जूम तो एक मीडियम हो सकता है कि वहाँ से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट जो टीम व्यूअर है उससे कर सकते हो, आप गूगल के प्रोडक्ट से कर सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा भी दिखा सकते हो, लेकिन किस बंदे को दिखाओगे? वो बंदा आपको कहाँ मिलेगा? वो बंदा आपको सोशल मीडिया में मिलेगा, सोशल मीडिया के द्वारा आपसे कनेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ पे सब सिंपल सी चीज़ जो आती है वो आती है कि सोशल मीडिया पे ऐसा क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपने देख ली कि यूजर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, तो उनका आप इस्तेमाल रिलेशनशिप बिल्डिंग करने में, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाने में कर सकते हो। दूसरा चीज़ टाइम, ये चीज़ आपकी टाइम सेविंग हो सकती है। जैसे एग्जांपल आप वन टू वन मुलाकात करते हो तो आपको इंडिविजुअल वन इंसान पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम डालना पड़ता है, लेकिन अगर सोशल मीडिया का यूज़ करते हो तो आप कोई भी एक एक्टिविटी करके आप जो भी आपके सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर हैं फ्रेंड्स से जुड़े हुए हैं उन तक अपनी बात कम समय में पहुंचा सकते हो, तो आपको टाइम सेविंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तीसरी जो चीज है वो है कि आप इसको लोकल, नेशनल प्लस इंटरनेशनल तीनों मार्केट में एक साथ अपने आप को स्थापित कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली, वो रील आपके लोकल एरिया के आपके जो फ्रेंड सर्किल में है वो लोग देखेंगे, साथ में वो नेशनल लेवल पे जाएगी, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्ट आजकल हो गया कि आपके अकाउंट आजकल प्राइवेट नहीं करके आप उसको ओपनली कर देते हो, तो पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां रील पहुंचेगी अगर वो ट्रेंडिंग में आ गई तो कितने लोगों तक पहुंच सकती है। साथ में नेशनल के साथ में वो इंटरनेशनल भी जा सकती है अगर वायरल होती है, तो इन चीज़ों का फायदा आपको जल्दी मिलता है, यानी आप लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे जो फोर्थ जो आपको बेनिफिट मिलता है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपको बहुत सारे कम्युनिकेशन के फायदे मिलते हैं। जैसे एग्जांपल आप वन टू वन मुलाकात करते हो तो उसमें सिर्फ आप बता सकते हो, कुछ पेपर पे कुछ चीज़ें बता सकते हो, या आपके पास डिजिटल लैपटॉप या कंप्यूटर तो उस पर कुछ दिखा सकते हो, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो आपके पास मोड बहुत सारे हैं। आप पीपीटी के द्वारा भी कोई चीज़ प्रेजेंट कर सकते हो, आप इमेजेस के द्वारा, आप वीडियो के द्वारा, आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना के, फनी इंटरटेनिंग चीज़ें बना के लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको मोड बहुत सारे मिलते हैं कम्युनिकेशन स्थापित करने के। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनके द्वारा आप अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ा सकते हैं, या यूँ कहें तो आप किसी भी बिजनेस को, जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो उसको सोशल मीडिया के द्वारा बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से बढ़ा सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बातचीत करेंगे और कॉमन गलतियों के बारे में बातचीत करेंगे जो लोग अक्सर करते हैं। क्या वो गलतियां आप भी कर रहे हैं? अगर आप भी करें तो आज ही आपको रुकने की जरूरत है, और इस चैनल को जो ए ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो इन गलतियों को करने से बच सकें और आपका समय बच सके और आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। सबसे पहली जो गलती हम जो बातचीत करते हैं ऑलरेडी मैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर चुका। सबसे पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में सीधा सीधा जो नाम है, ब्रांड नेम है, उसको सोशल मीडिया पर डालने से बचें। सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में अपनी फुल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की पिक्चर्स डायरेक्टली वो अपलोड करते रहते हैं। सबसे पहले आपको उससे बचना है। दूसरा, आपको अपनी कंपनी के नाम को डायरेक्टली डिस्प्ले करने से शुरुआत में बचना है। जब आपका ब्रांड नेम स्टेब्लिश हो जाए, लोग आपको जानने लग जाए, आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे हो जाए, तब आप अपनी कंपनी का नाम उजागर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अपनी कंपनी का प्लान, रातों रात करोड़पति बनो, आप अमीर बन सकते हो, आप ये कर सकते हो, ऐसे जो जुमले हैं उनको आप सोशल मीडिया पे नहीं डालें, क्योंकि आज लोग समझदार हो चुके हैं, पार्ट टाइम इनकम कर लो, ऐसे जो वर्ड डालोगे तो लोग उससे चिढ़ जाते हैं, तो आपको अनफॉलो भी कर सकते हैं, वो आपसे बच सकते हैं। जब आप उसे कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे तो वहाँ पे आपको समस्या आएगी, यानी वो प्रोडक्ट नहीं डालना, अपनी कंपनी के बारे में स्टार्टिंग में नहीं डालना, और उसके अलावा जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को इस तरफ इशारा कर रही हो कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ों के बारे में नहीं डालना। सबसे पहले आपको ये गलतियां हैं जो कर रहे हैं वो रुकना है। कई लोग अपनी डीपी के ऊपर भी अपनी कंपनी का और उसका फोटो लगा रखे रहते हैं, पिक्चर्स भर भर के डाल रखी होती है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले वो उठाओ। यूट्यूब पे भी लोग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखा दिखा के उसकी विशेष वर्णन करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। कुछ आपको ऑर्डर मिल सकते हैं लेकिन आपका कभी भी नेटवर्क नहीं बन पाएगा।
जनरली डिजिटल मार्केटिंग में जो भी इंसान आता है वो नेटवर्क बनाने के आता है, कि नेटवर्क की एक शक्ति होती है, नेटवर्क की शक्ति के हिसाब से आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही आपका बड़ा पैसा होगा, तो वो चीज़ आपको सोशल मीडिया हेल्प कर सकती है। तो आपको नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है उसके बारे में छोटे से मैं कुछ हिंट आपको देना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने ये सब चीज़ें जानी, लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये भी देना चाहूंगा कि आपको सोशल मीडिया पे करना चाहिए आपकी अथॉरिटी क्रिएट करने पे फोकस करना चाहिए। अब ये अथॉरिटी होती क्या है, जनरली मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपकी कंपनी है वो हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट बना रही है, न्यूट्रिशन से संबंधित प्रोडक्ट बना रही है, तो आपने प्रोडक्ट का नाम आपको सीधा सीधा नहीं डालना, कंपनी का नाम सीधा सीधा नहीं डालना, कोई भी आपका मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में सीधा नहीं डालना। अब वहां पर आपको डालना क्या है, सबसे पहले चीज आपको अगर आपकी कोई का फोकस है तो सबसे पहले आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें। पैशन को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर आपको न्यूट्रिशन संबंधित, हेल्थ से संबंधित, एडवेंचर से संबंधित अगर आपको एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स से संबंधित एक्सपीरियंस, तो आप उस पैशन के सराउंडिंग अपनी ऑडियंस को बिल्ड करने की कोशिश करें। एग्जांपल के लिए अगर आप न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल आपको प्रोटीन का नॉलेज है, तो आपकी कंपनी का कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट होगा आप उसके बारे में नहीं लिखिए, आप जनरल बात लिखें कि प्रोटीन खाना क्यों महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम आपकी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो आपको कैल्शियम के बारे में, जनरल कैल्शियम के बारे में बातचीत करना चाहिए, न कि आपके प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन उसमें आप ऐसे फीचर्स को डालने की कोशिश करें जिसमें आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की कुछ विशेषताएं आती हो। जैसे कि एग्जांपल कोई कंपनी है वो शुगर फ्री प्रोटीन बनाती है, तो आपको डालना चाहिए कि आपको जो प्रोटीन मार्केट से आप यूज कर रहे हो उसमें शुगर फ्री होना चाहिए। लोगों को आप इशारा करो प्रोटीन खाने से क्या बेनिफिट होते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, वो चीजें आप डालें कि प्रोटीन खाने के 10 क्या फायदे हो सकते हैं। उसी में थोड़े से आप इंक्लूड कर दें आपके प्रोडक्ट के फीचर्स। जैसे एग्जाम्पल एक प्रोटीन है जिसमें शुगर नहीं है, आपने जनरल कुछ चीजें लिख दी कि प्रोटीन खाने से क्या फायदा है, नीचे लिख दिया कि आप जब भी मार्केट से प्रोटीन खरीदने जाएं तो इन तीन चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि आपके प्रोडक्ट में शुगर नहीं होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट में ऐसा कोई चीज नहीं हो जो प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाएगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर आप बेनिफिट के साथ में अगर ऐसे फीचर्स डाल देंगे जो मार्केट में उसको प्रोडक्ट खरीद से में ध्यान देनी चाहिए, तो मार्केट में वो जनरली प्रोडक्ट के फीचर्स मिलेंगे नहीं तो वो खरीदेगा नहीं, वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो आपने प्रोडक्ट को लेकर आप पीते हुए दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें अपने लेबल को छुपाने की कोशिश करें, लेबल का अंदाजा नहीं लगे, या किसी गिलास में डाल के कि मैं प्रोटीन पी रहा हूँ, ऐसे आप वीडियो इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स डालें जिससे कि लोगों को लगे, साथ में आप उसके फीचर्स भी बताते जा रहे हैं तो लोगों के दिमाग में एक बातचीत क्लिक करती जा रही है कि आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज है। जब आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज होता है तो जब उसको कोई समस्या आती है या उसको कोई प्रोडक्ट लेना होता है वो आपसे कंसल्ट करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपके जो भी बायो होता है सोशल मीडिया पे उस पे भी आपको अपनी चीज़ों को लिखना चाहिए। जैसे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो वो लिख सकते हैं, आप न्यूट्रिशन एडवाइज़र है तो वो लिख सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं जिससे कि थोड़ा प्रोफाइल को देख के अंदाज़ा लग जाए कि ये इंसान कौन है। हैं उसके बाद में आपको अथॉरिटी क्रिएट करने पे फोकस करना है। आपका प्रोडक्ट हो सकता है कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड हो तो आप वहाँ पे इंश्योरेंस फाइनेंस की बातें कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं है तो भी आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि अगर जहाँ तक उस प्रोडक्ट की पूरी अथॉरिटी आपके पास नहीं है, जैसे एग्जांपल आप उसके मैन्युफैक्चरर ही खुद हैं उस प्रोडक्ट के, तब तो आपको डायरेक्टली अपने कंपनी का प्रोडक्ट नाम सब कुछ डाल देना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कहीं से वो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो अगर आप उसका डायरेक्टली एडवर्टाइज कर देंगे तो वो कहीं और से वो प्रोडक्ट खरीद लेगा, जरूरी नहीं वो प्रोडक्ट आपसे ही खरीदे तो आपको नुकसान हो गया। मेहनत आपने की, प्रोडक्ट कहीं और से खरीद लिया उसने, तो आपको अपने नॉलेज को वहाँ पर मार्केट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बनाइए वहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल आप अच्छे से रहते हैं वो चीज़ दिखाइए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपको झूठ नहीं परोस करना, आपको जो ईमानदारी से जो भी लाइफस्टाइल में है उसको थोड़ा आप कैसे स्ट्रेस करके अपग्रेड कर सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे दिख सकते हो, हो सकता है आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं हो लेकिन जो भी गाड़ी है उसको आप कैसे इंजॉय कर रहे हो, उस लाइफस्टाइल को आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, आप कहीं माउंटेंस पर ट्रेकिंग करें, तो उन लाइफस्टाइल को लोगों के अंदर डालने की कोशिश करें और वहाँ पर अपनी अथॉरिटी क्रिएट करें। और उसके बाद में चीज़ों का आता है कि आप वहाँ पर प्रोडक्ट कैसे मार्केट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपको प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में नहीं डालना, दूसरा आपको अथॉरिटी क्रिएट करने पे फोकस करना है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें, ऐसे ही वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे हम और लेके आते रहेंगे। तो ए ब्रेन चार्ज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू, बाय बाय।